गुड मॉर्निंग फिफ्थ हिंदी मीडियम आपके एसएसटी की क्लास है। जैसे कि आप लोग एसएसटी में लेसन नंबर 4 डन कर चुके हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए लेसन नंबर 4 को और अच्छे से कंप्लीट करके कॉपी बुक को रखिए। उसके बाद आपके बहुत जल्दी टेस्ट भी होने वाले हैं और कॉपी को आप शेल्टर को स्कूल दीजिए चेकिंग के लिए, मंडे को आपको वापस कर दी जाएगी, ठीक है। और बच्चों एक बात और है आप लोगों की फीस के लिए कि जो बच्चे दिसंबर में 20 दिसंबर तक फीस जमा करेंगे उन लोगों को जो है 12 महीने की जगह 9 महीने की फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी फीस भी जमा कर दीजिए और अपने काम को पूरा करके उसको चेक करवा लीजिए, वरना आपके एग्जाम टेस्ट भी नहीं हो पाएंगे और अगली कक्षा में आपको भेजा भी नहीं जाएगा। आपके लिए जो है नेक्स्ट ईयर भी आप फिर से इसी क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए अपने काम को पूरा रखिए और अच्छे से काम करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में जीवन, ठीक है। जैसे कि आप लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हो कि विषुवतीय प्रदेश में रहने वाले लोग जीवन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद आप विषुवतीय प्रदेश के जो और उष्णमंडलीय प्रदेशों की जलवायु में इस चीज के बारे में इसमें पढ़ेंगे। विषुवतीय प्रदेशों में वर्ष भर वर्षा होती है परंतु मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। ये चीज मैंने आपको लेसन नंबर 4 में बताई थी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बारिश जो है बहुत कम होती है। इसी कारण से दोनों प्रदेशों के लोगों के जीवन में बहुत अंतर है। इस पाठ में हम उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अगला है स्थिति। मरुस्थल शब्द का अर्थ है, मरुस्थल का मतलब होता है शुष्क भूमि, शुष्क मतलब सूखी, ठीक है। यह शुष्क भूमि रीत या बर्फ चट्टानों से भरी हुई होती है। उत्तर ध्रुवी और दक्षिण ध्रुवीय भूमि बर्फ से ढकी है, इसलिए ये भी रेगिस्तान है। रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, एक तो ठंडे होते हैं दूसरे गर्म होते हैं। संसार में उष्ण मरुस्थल लगभग 20-30 डिग्री सेल्सियस उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम में स्थित है। संसार के मुख्य उष्णमंडल नीचे जो है आपके मानचित्र में दिए गए हैं। संसार के उष्णमंडल है जो जैसे कि आपका पहला सहारा मरुस्थल है, ठीक है। सहारा मरुस्थल जो है आपका ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है और ये आपका उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में। दूसरा मरुस्थल आपका है कालाहारी। जो कालाहारी मरुस्थल है वो आपका दक्षिणी अफ्रीका में है, ठीक है। तीसरा है नामिब। नामिब जो मरुस्थल है आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। चौथा है अटाकामा जो दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद कैलिफोर्निया जो उत्तरी अमेरिका में है, अरेबिया एशिया में है, और जो थार है, थार मरुस्थल जो है एशिया का मरुस्थल है सबसे बड़ा है। ज्यादातर मरुस्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थल का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आपका सऊदी अरब है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे यहाँ की जलवायु और जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो कैसी है, ठीक है। अभी तक तो हमने आपको वहां के बारे में बताया, उसकी स्थिति के बारे में बताया, क्या स्थिति है वहां के मरुस्थल की। अब हम जानेंगे जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियां कैसी होती है मरुस्थल में। तो उष्ण मरुस्थलों की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर रेत होती है जो धूप से लगातार तपती रहती है, इसलिए जो है ये बहुत गर्म होती है। दिन का अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शीत ऋतु में भी दिन गर्म होते हैं लेकिन रातें जो होती हैं काफी ठंडी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय जो है जो रेत होती है वो धूप से तपती रहती है, उसे तपने के बाद क्या कहते हैं कि रात में जो है ठंडा वो जो है धूप नहीं लगती है तो रेत जो है धीरे धीरे करके चांद के प्रकाश से वो ठंडी होती चली जाती है, ठीक है। मरुस्थलों में वर्षा जो है बहुत कम होती है। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल कहते हैं। कहने का मतलब जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो आपके मरुस्थल क्षेत्र होते हैं। मरुस्थल में दिन में रेत बहुत गर्म होती है। कभी कभी मरुस्थलों में जो है रेत भरी पूरी आंधी चलती है लेकिन
हवाएं ग्रुप के अंदरूनी हिस्सों से चलती हैं। इन शुष्क हवाओं को व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। मनसूनों में वनस्पति का प्रायः अभाव रहता है। यहाँ दूर दूर तक रेत के मैदान, चट्टाने, रेत के टीले दिखाई देते हैं। इनके बीच बीच में कहीं कहीं कटीली झाड़ियां, नागफनी और कांटेदार छोटे पौधे देखने को मिलते हैं। बबूल तथा कीकर के वृक्ष कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। मरुस्थल में कहीं कहीं भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। इन्हें जो है जो भूमिगत जल सतह पर आता है उसे मरुधान कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग चौथे लेसन में लिख चुके हैं, ठीक है। तो इन मरुधानों में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। मरुस्थलों में जगह जगह तक के लिए टीले देख सकते, रेत के टीले देख सकते हैं। रेत के टीले मरुस्थल में चलने वाली हवाओं से बनते हैं और उन हवाओं के द्वारा अपने साथ जो रेत जमा कर लेते हैं वो बनते चले जाते हैं। रेत जो है एक टीले के स्थान से दूसरे टीले स्थान तक ये हवा के द्वारा खिसकते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब वहां की जीवन शैली देखिए क्या होती है कि मरुस्थल में लोगों का जीवन बहुत ही कठिन होता है। वहां के जीवन का जो है बहुत कठिन होता है। उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो वहाँ ये है कि भोजन, पानी और पशु चारे के लिए सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां पर वनस्पतियों की कमी पाई जाती है। इसके अलावा ये लोग समूह बनाकर ऊंटों पर जो है ऊंटों पर चलते हैं और जो है इनके समूह जो है होते हैं उनको काफिला कहा जाता है और जो ऊंट होता है उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। बात हम बता चुके हैं आपको। मरुस्थल में रहने वाले कुछ लोगों को बद्दू भी कहते हैं। जो बद्दू होते हैं वो खाना बदोश होते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं और एक जगह मकान बनाकर लोग नहीं रहते। घुमंतू टाइप के लोग होते हैं। ये अरबी भाषा बोलते हैं। ये अपना जीवन भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़ों को चराने पालने में बिता देते हैं, ठीक है। ये चारे की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये अपने कपड़े, तंबू और जरूरत की सभी चीजें साथ लेकर चलते हैं। बद्दू लोगों को अपने जानवरों से ऊन, मांस और दूध मिलता है। बद्दू लोग लंबे व ढीले वस्त्र पहनते हैं। ये अपने सिर को ढके रहते हैं और इनके ढीले वस्त्रों और सिर का कपड़ा इन्हें गर्मी और धूप से बचाता रहता है। बद्दू महिलाएं गहनों को बहुत शौकीन होती है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको जलवायु और प्रकृति के वस्त्रों के बारे में यहाँ की। क्लास में हम आपको बताएंगे उनका राजनीतिक जीवन कैसा होता है और वो कौन सा व्यवसाय करते हैं, ठीक है बेटा। आज की जो है आपके एसएसटी की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फिफ्थ हिंदी मीडियम। अब आप पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 इंग्लिश की। तो इंग्लिश की कॉपी और बुक अपनी ओपन कर लीजिए, ठीक है। आप लोग का लेसन नंबर 5 चल रहा था टिक फॉर टैट, जैसे को कैसा, ठीक है। तो अब आप एसएसटी के बाद आप इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश की कॉपी और बुक ओपन कर लीजिए। अब आपके एसएसटी टाइम हो चुकी है। सो नाउ स्टार्ट योर इंग्लिश क्लास। टिक फॉर टैट, टिक फॉर टैट, जैसे को ऐसा, ठीक है। कल मैंने आपको 3 स्टेंज पढ़ाया था, ठीक है। 3 स्टेंज पढ़ाया था कि क्रेन ने जो है पार्टी अरेंज की थी और फॉक्स को इनवाइट किया था। जिस तरीके से जो है वो पार्टी का एंजॉयमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट आज लास्ट पैसेज आपका है जो है टास्क क्रेन डिड सेम बिहेवियर विद द फॉक्स, सी टुक रिवेंज अपॉन हर। दस फिर क्रेन डिड सेम, क्रेन ने भी सेम उसी तरीके से बिहेवियर जो है व्यवहार किया विद द फॉक्स लोमड़ी के साथ। इट मींस होता है साथ, ठीक है। वैसे ठीक वैसा ही जो है क्रेन ने लोमड़ी के साथ व्यवहार किया। सो सी टुक रिवेंज अपॉन हर, उसने जो है उसे अपना बदला ले लिया। सो इट इज सेड दैट, इसलिए ऐसा कहा गया है कि एज वी शो, जैसे हम दिखाते हैं, सो शैल वी रीड, कहते हैं कि जैसे कि हम दिखाते जो है आपको दिखावा करते हैं वैसे ही जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे आप किसी और को दिखाएंगे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
We should not behave rudely with anyone, if it is friend or enemy. We should not behave. हमें नहीं करना चाहिए behave व्यवहार rudely जो है किसी के साथ हमें rudely जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए और कहते हैं rudely में कितना कठोरता ठीक है किसी के साथ भी हमें कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए if it is friend or enemy या वो आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन हो ठीक है Thus we learn from the story. इस तरीके से हमने स्टोरी से सीखा है कि if we behave rudely, अगर हम किसी से कठोरता का व्यवहार करते हैं, we shall get that. तो हम भी वो मिलता रहेगा. So इसलिए it is not good to hurt someone's heart. इसलिए ये चीज अच्छी नहीं है कि किसी के भी हृदय को आघात पहुंचाया जाए. You should be pure hearted. अगर आप शुद्ध मन की हैं, आप सुधरता वाले हैं and behave friendly और आप मित्रवत व्यवहार करते हैं because क्योंकि our behavior is our real introduction क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है वही हमारा वास्तविक परिचय होता है if a man goes to another country if यदि a man एक व्यक्ति goes to another country दूसरे देश को जाता है he leaves his introduction there तो वो जो है अपना परिचय वहां छोड़ के आता है सो इसलिए द ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू बी प्योर हार्टेड इसलिए सो ऑल स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों को लिए ये एडवाइस है यानी जो सलाह है टू बी प्योर हार्टेड कि शुद्ध हृदय वाले बनिए अदरवाइज अन्यथा वी हैव टू बी अजेंड एट आवर बिहेवियर लेटर इससे जो है क्या होगा कि we have to be ashamed हमें भी शर्मिंदगी का सला करना पड़ेगा our behavior later हमारे व्यवहार करने के बाद में ठीक है आप जिसके साथ किसी के साथ रूडली व्यवहार करेंगे तो आपको भी थोड़े जो है समय बाद आपको भी उसी तरीके के व्यवहार का सामना करने पड़ेगा ठीक है so let us done the left word meanings चलिए हम लोग जो बची हुई वर्ड मीनिंग है उनको डन ठीक है ओपिनियन तो आप ही एंड राइट इट ऑन हियर क्लियर राइट Yeah.
लेटर लेटर मीन्स बाद में So fifth class you have done you are all word meaning of lesson number 5 आपकी lesson number 5 की सारी word meaning done हो चुकी है in next live class we done the question answer and left exercises so please try to find out your exercises in your home and read your book also thank you so much class if you don't understand anything So please ask me by comment. अगर आप लोग कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट से हमें पूछ सकते हो ठीक है क्लास सो योर नेक्स्ट क्लास इज द मैथ इसके बाद हम भी खोल लेते हैं गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन क्लास फिफ्थ अभी आपको ये मैथ फर्स्ट चल रही है इसके बाद मैथ सेकंड सेमेस्टर पढ़ाएंगे मैथ फर्स्ट में आपका अभ्यास 21 में चला रहा था तो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हो गए थे क्वेश्चन नंबर 9 आज बताने जा रहा हूं तो ये आपका सब्जेक्ट जो है मैथ फर्स्ट और सेकंड दोनों करेंगे फर्स्ट में एक्सरसाइज 21 क्वेश्चन नंबर 7-9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 156 169 और 247 को पूरा पूरा विभाजित करे 156 169 और 247 बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछता है तो माशा निकालते हैं और छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो लाशा निकालते हैं तो सबसे पहले 156 169 और 247 147 ये आपको तीनों का माशा निकालना है चाहे भाग विधि से निकालें चाहे गुणनखंड विधि से निकालें दोनों तरीके से तरीके होते हैं अब इसमें ऐसी संख्या आपको छांटना है जो तीनों एक ही संख्या से कटे और भाग विधि से क्या करते हैं कि छोटी संख्या दोनों विधि बता दूंगा मैं यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो 13 से सभी कटेगी 13 दो बचेगा 13 तो ये बड़ी से बड़ी संख्या बराबर हो गई 13 तो ये आपकी तो ये जो है इसको भाग विधि से अगर निकाले तो 156 भाग देना 169 से एक बार जाएगा 156 आएगा 9 में 6 गया 3 6 में 5 गया 1 13 में भाग देंगे 156 में 13 एक 13 2 26 13 के 26 तो यह आ गया 13 और 13 से ही भाग देना 247 में तो 13 एक 13 1 1 7 13 9 117 तो देखते हैं इसमें भी माशा जो आया वो 13 है अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या 13 आई तो चाहे गुणनखंड विधि से करे चाहे भाग विधि से करे आंसर एक ही आएगा तो इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 13 तो ये आज आपको 9 से 17 तक करना है क्वेश्चन नंबर 11 में बताया उसके बाद 11 क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए 30 40 50 60 से पूरी पूरा विभाजित हो जाए तो पूरा पूरा विभाजित करने के लिए आपको लाशा निकालना होगा लाशा का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या तो
तो आप 30, 40, 50, 60 इसको फैक्टर कर ले, बड़ी से बड़े कर ले, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50, 10 से 60 दो से काटो 3, 2 से 4, 5, 2 से 6 अब ये आपको जो नाता आएगा ये 10 × 2 × 3 × 2 × 5 तीन से काटेंगे तो 2 बार 1 की 1 बार 2 करेंगे इसको हल करें 10 × 3 = 20 = 60 और 5 × 10 600 लाख आया। अब इसमें कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 4 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या होता है 9999। अब इसको 600 से गुणा करें, इससे गुणा करें जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 600 को अगर 10 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो 4 अंकों की है तो 9999 होता है। इसको और गुणा करें, 20 से गुणा कर जाएगा तो 2 × 0 = 2, 3 × 0 = 12 तो ये 5 अंक हो गए। तो ये 5 अंक हो गए, आपको 4 अंकों में निकालना है। इसलिए आप इसको अगर 15 से गुणा कर दें, 600 × 15 तो 15 × 0 = 15, 15 × 0 = 15, 9000 आया। और 16 से गुणा करें, 0 × 0 = 16, 16 × 6 = 96, 9600 आया, 4 अंकों में ही है। 17 से गुणा करें अगर तो 2 × 0 = 17, 85, 17 × 102 ये 5 अंक हो गए। अर्थात 600 को हम 16 से गुणा करेंगे तो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या में मिलेगी। तो 600 जो मैंने लाता आया था इसको 16 से गुणा करते तो ये आ जाएगा 9600। ये 4 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या आपको मालूम हो गई। फिर से समझ ले, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताए 30, 40, 50, 60। तो 30, 40, 50, 60 में लाता निकाला, गुणनखंड विधि से 600 आया। और 600 से हमको ज्ञात करना पड़ेगा किस संख्या से गुणा करें जो 4 अंकों में सबसे बड़ी से बड़ी आए। तो 17 से मैंने गुणा किया और 5 अंक आ गए, 16 से गुणा किया 4 अंक आए और सबसे बड़ी है, इसलिए ये 9600 सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, एक सैन्य दल को 36, 48, 60 सैनिकों के छोटे से छोटे दल में बांटने पर एक भी सैनिक शेष नहीं रहता है, बताइए सैन्य दल में कम से कम कितने सैनिक होंगे। तो कम से कम मतलब या छोटी से छोटी का मतलब होता है लासा। तो ये 15 क्वेश्चन तो दे रखा है, संख्या दी है 36, 48, 60 इसका लासा निकाले, 2 × 18 = 2, 3 × 4 = 24, 30 फिर 2 से काटे 2 × 18 = 12, 15 3 से काटे 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 4, 5 × 2 = 4, 12 × 3 = 6, 8 × 2 = 4, 12 × 3 = 6, 7 × 2 = 12, 2 × 3 = 7, 7 × 20 = 36 और 4 × 5 = 20 = 6, 720 आया।
कम से कम कितने तो अतः सैन्य दल में लिखेंगे, अतः सैन्य दल में कम से कम सैनिक सैन्य दल में कम से कम सैनिक बराबर हो जाएगा 720। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको करना है, ये एक्सरसाइज अभ्यास 21 पूरी खत्म होती है। सातवां क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, बीच के क्वेश्चन आप घर पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, दिया है आमों की तीन टोकरियों में कौन सा 490 560 आम है, 490 560 637 आम है, तो इसमें शेषनर है छोटी टोकरी में कितने आम आएंगे, तो 490 में माफा निकालेंगे 560 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 490 घटाएंगे 16 में हो गया 70 से भाग देंगे 490 में, तो 7 बार जाएगा 7 0 7 7 49, तो ये 70 आ गया। इसमें तो 9 बार जाएगा 9 0 0 9 7 63 7 आया, 7 से 70 में भाग देंगे 7 1 7 0, तो 0 आ गया। तो ये कितने सैनिक आएंगे, एक टोकरी में कम से कम 7 आम होंगे, 7 आम होंगे। इस तरीके से यह अध्याय खत्म होता है। अब इसके बाद हमारे सुमेर सर जो है मैथ सेकंड पढ़ाने आ रहे हैं, लीजिए सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, अब सभी बच्चे मैथ सेकंड खोलेंगे। इसमें अभ्यास आपका चल रहा था, अभ्यास सभी बच्चे खोल लें, 24 अभ्यास 24 शुरू कर रहे थे और कुछ सवाल बताए इसके बच्चों। चलो चला भी दे रहे बच्चों, अभ्यास 24 खोलिए। अभ्यास 24 में आपको डी नंबर तक हमने सवाल बताए थे और आज इसके आगे के सवाल बताएंगे। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करें और सवालों को देखें। ई नंबर में इसका पहले का फर्स्ट का ही है ई नंबर क्वेश्चन है, चार इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। चार तरी हाँ बच्चों, ये सवाल आप नोट करिए, 4 3 5 1 बराबर और ये उधर गए, इधर बच्चों फिल करना है, तो उधर बच्चों इसका सेम इधर फिल किया जाता है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, इधर फिल करने के लिए इसको पहले हमको साफ करना पड़ेगा तब उधर फिल करना पड़ेगा, मतलब 4 5 20 4 5 20 3 23 23/5 यहाँ हो जाएगा, पूरा करेंगे 23/5 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 23/5।
बच्चे तेज बच्चे पास कैसे आया पता है, पांच जीरो बीस, बीस तो तीन तेज बच्चे पांच, तेज बच्चे पांच को एक सूत्र करेंगे तेज बच्चे पांच ही रहेगा हमारा। अब जो इधर रहेगा फिर थोड़ी इधर रहेगा, अब ये तीन नंबर स्ट्रेट फिर हो गया है। अब इसका बच्चों जब नंबर फिर करना है एक नंबर देखिए चार बटे तीन गोरे नौ बटे सात रेखेपन गोरे दो बराबर चार बटे तीन गोरे। और यहां पर फिर करना है बच्चों, बच्चे यहां पर क्या फिर किया जाएगा देखिए चार बटे तीन चीजें है और नौ बटे सात है, तो ये बच्चों इसमें फिर करने के लिए क्या लेंगे चार बटे तीन है यहाँ पर लिखेंगे आप नौ बटे सात और ये दो है तो यहाँ पर आगे ये दो वही फिर कर दिया बच्चों हो गया ठीक है बच्चों। मतलब इधर संख्या जो बराबर है जैसे संख्या और जैसे संख्या सेम होनी चाहिए बराबर, ये एक नंबर हो गया आपका। इसी तरह आपका जी नंबर है, जी नंबर आप लोग नियम से लगा ले अच्छा रहेगा, तो हम जी नंबर बता देते हैं। जी नंबर में चार बटे तीन गुणे पांच बटे चार गुणे आठ बटे सात और फिर देखते लिए है फिर करना है फिर पूरा है फिर करना है फिर देखकर बंद है गुणे आठ बटे सात। इतने बच्चों यहाँ से है यहाँ पर एक संख्या जो होती है यहाँ पर बराबर लगेगी ठीक है बच्चों, सवाल में जो ना बराबर की मिस्टेक है तो यहाँ पर बराबर लगेगा। अब ये दो क्वेश्चन आते हैं, अब इधर देखिए क्या फिर करने जाएगा इधर आठ बटे सात है इधर की संख्या बराबर के इधर की संख्या बराबर के बराबर होनी चाहिए, तो इसमें क्या करना है आठ बटे सात लिखा है गलती से इसमें पांच बटे सात दीजिए और ये क्या हो गया चार बटे तीन चार बटे तीन बच्चा देखिए बच्चों ये आपका जी नंबर। अब इसका एक नंबर आप लोग कर लेंगे ना बच्चों, या एक नंबर भी इसमें करने के लिए हम इस प्रकार कर रहे हैं सभी बच्चे अपनी फेर कॉपी में जरूर इस वर्क को नोट करें। जैसे इस नंबर आपको घर के लिए देते हैं जैसे नोट कर लिया होगा बच्चों बच्चों, आज का हम दूसरे का फर्स्ट बताएंगे। इसका एक नंबर आप फिल कर लेंगे थे, फिल करने वाले थे एक नंबर बताएंगे फिर लिखा सरल कीजिए तो चलिए सवाल है तीन बटे पांच गुणे तीन से दो बटे तीन प्लस एक बटे छह ये सवाल दिया है बच्चों। अब इसको सरल करना है, इसके अभ्यास 22 में इस तरह सरल करना हमने बताया है उसी तरह इसको भी करना है बच्चों। चलिए इसको भी हल करते हैं, इसको तो हल करेंगे तो तीन बटे पांच दो ये ब्रैकेट में है तो इसको तीन बना लेंगे तीन बटे नौ प्लस ग्यारह बटे तीन और प्लस एक बटे छह। अब बच्चों पहले इसी बिंदु को हल कर लेंगे तीन बटे पांच दो ये तीन और छह का नाफा ले लेते हैं बच्चों, नाफा लेना आपको बताया था हमने लाशा कैसे लेते हैं तो इसमें लाशा लेंगे छह आएगा इसको भाई से भाग करते हैं तीन दूनी छह दो बार जाएगा तो उसको ग्यारह से भाग करेंगे तो बाईस आ जाएगा प्लस ये छह से छह से भाग करेंगे तो एक आएगा एक को एक से भाग करेंगे तो एक आएगा इसको बच्चों ये जब भाग करेंगे तीन बचे पांच दो एक
ये बाईस और एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा छे बटे। अब इसका ब्रैकेट खुल जाएगा बच्चों, बताते हैं इसके आगे सवाल को इधर बता रहे हैं। तो बराबर तीन बटे पांच गुणे ये ब्रैकेट खुलेंगे तो बन जाएगा तीन बटे छह। अब बच्चों क्या करना है, इसे दो का गुणा कर देना, तीन तीन का नौ, तीन तीन छह और सात, तीन तीन का नौ भिन्न में बनाने के लिए बच्चे क्या करेंगे, दस को तीन से भाग कर देंगे, दस भागे तेईस, दस दूनी बीस और घटाएंगे तीन बचेगा तो हमारा आ जाएगा दो, सही केवल सही दिखते हैं और तीन ऊपर तीन बटे दस, ये हमारा इसका इस सवाल का हल आ जाएगा बच्चों। इस तरह आपको आज बच्चों अभ्यास 24 में सवाल नंबर एक आपका कंप्लीट हो चुका है और सवाल दो दूसरे का फर्स्ट नंबर सवाल बताया है और आपको सभी बच्चे प्रैक्टिस करें ताकि हम सेकेंड नंबर हम हल बताएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, ओके थैंक यू क्लास। धन्यवाद।